आज का जो मेरा वीडियो है सच में बहुत सीरियस मैटर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर को लेकर मैं बातचीत करती हूँ, लेकिन आज का जो मेरा मैटर है सच में 78% पीपल हम ये बीमारी से गुजर रही है। सो प्लीज़ डोंट स्किप एंड डोंट स्टॉप, क्योंकि फैमिली में एक पर्सन का तो आज तो ये बीमारी है ही। तो जानिए क्या सा ये बीमारी है जो हम उसको मतलब काबू में नहीं कर पा रहे हैं, मेडिसिन ले रही है फिर भी किसी किसी दिन प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो मेरा वीडियो देखिए और जानिए। न्यूट्रिशन लेके पढ़ाई चल रहा है मेरा, तो सच में ये जो बीमारी है बहुत ख़तरनाक बीमारी है। कौन सा वो बीमारी है? डायबिटीज़। यस, डायबिटीज़, शुगर है ना। अब अभी फैमिली में कोई भी कोई मेंबर को सच में बहुत ख़तरनाक बीमारी है। और ये क्या है देखिए, मैं यहाँ पे एक वीडियो में आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहती हूँ। डायबिटीज़ क्या है, क्या क्या सिम्टम आता है और क्यों ये बीमारी हम लोगों को आ जाते हैं, और पार्ट टू मेरा जो वीडियो है पार्ट टू में इसका क्या क्या खाएंगे, क्या प्रतिकार है, वो सब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ डोंट स्टॉप एंड डोंट स्किप, मेरे साथ रहिए और जानिए क्या ये डायबिटीज़, क्यों हम डायबिटीज होने से इतना घबरा जाते हैं। सच में घबराने की ही बात है, लेकिन क्यों होता है डायबिटीज़, कैसे रोक पाए, मेरा वीडियो देखिए और जानिए। 2019 डायबिटीज़ ग्लोबल प्रिवेंट इम्पैक्ट, 463 मिलियन पीपल्स का डायबिटीज़ है। लेकिन क्यों भाई डायबिटीज़ क्यों हो जाता है, ये खतरनाक बीमारी से हम इतना ज़्यादा पीपल क्यों गुजर रही है, इसका कोई कारण है ना। तो आज कारण है, आज मैं आप लोगों के साथ वो कारण डिस्कस करने वाली हूँ, तो मेरा साथ रहिए। पहले तो समृद्धि जी सॉल्यूशन चैलेंज में सभी का दिल से शुक्र गुजार हूँ मेरा चैलेंज इतना ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो जल्दी से मेरा फैमिली मेम्बर और भी बढ़ाइए, और मेरा फैमिली मेम्बर जिन जिन पर्सन में इन्वॉल्व है सभी के दिल से शुक्र गुजार हूँ। और जिन जिन पर्सन अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन हिट कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मेरा जब भी नया नया इंपॉर्टेंट कोई भी वीडियो लाए जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो प्लीज़ डोंट स्किप और डोंट स्टॉप, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ बातचीत करती हूँ। मैं एक न्यूट्रिशन लेके मेरा पढ़ाई चल रहा है, जब भी कोई पढ़ाई लाती हूँ पढ़ाई करने के बाद मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के तुरंत वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा फैमिली मेम्बर में कोई तो पर्सन है जो इस बीमारी से या फिर खतरनाक कोई चीज़ से या फिर कोई प्रॉब्लम से गुजर रही है। सच में मैं जब भी बहुत स्टडी करने के बाद आप लोगों के सामने वीडियो बनाती हूँ, तो मैं भी जानती हूँ थोड़ा सा कोई भी मेरा फैमिली मेम्बर थोड़ा सा अगर हेल्प हो तो सच में मेरा फैमिली लविंग मेरा फैमिली मेम्बर जो मेरा फैमिली को बढ़ाइए और मेरा साथ रहिए। डायबिटीज़ का जो फर्स्ट रीज़न है वो है आपका मोस्ट द फूड वी आर ईट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू द शुगर। हाँ सच में हम लोग जो फूड लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड ब्लड में जाने के बाद क्या होता है आपका शुगर में डिवाइड हो जाता है, शुगर बन के पूरा घोल जाता है। ये सच बात है, जितना फूड हम लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फूड जब अंदर जाते हैं वो आपका शुगर में आ जाते हैं। तो इसीलिए डायबिटीज़ जो पेशेंट है उसका बोलता है क्या फूड थोड़ा डाइट चार्ट एक है, डाइट चार्ट मेंटेन करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा फूड लाइफस्टाइल से निकल देना पड़ता है। कैसे हम जान पाए मुझे डायबिटीज़ है आपको डायबिटीज़ है? देखिए पहले तो आपका जो हेल्थ है वो टोटली ख़राब होने लगेगा, आपका जो सोच का जो प्रॉब्लम है मतलब कोई अच्छा बात भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, और आपका हाथ पाँव का जो एक पेन सूझा हुआ पेन आएंगे, और जो सर जो है धीरे धीरे सर चक्कर आने लगेगा, कुछ भी खाने का मन नहीं करते, और फिर आपका हेल्थ जो है पूरा ख़राब होने लगता है। फिर हम क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायबिटीज़ एक टेस्ट देने को लिखते हैं, जब टेस्ट करने लगे फिर देखते हैं उसका डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ का जो नॉर्मल लेवल है वो क्या है पहले आप लोगों के साथ बात वो बोल देती हूँ मैं। सेकंड लेस देन 140 mg DL 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग, मतलब
एक बार फास्टिंग जो बोलता है उसको, सुबह सुबह जो कुछ खाने के खाने से पहले वो एक टेस्ट होता है उसका, आपका लेवल और 100, और आपका सेकेंड जो हम लंच वगैरह कुछ करने के बाद आफ्टर 2 आवर्स बाद एक टेस्ट होता है, उसका लेवल है आपका नॉर्मल 140। उसका अगर ज़्यादा हो तो आपका ब्लड शुगर नॉर्मल से मतलब ज़्यादा है, और अगर उसका कम है तो शुगर लेवल कम। अब कॉज ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ क्यों होता है? ओबेसिटी, ओवर वेटिंग, फैमिली हिस्ट्री या फिर फिजिकली नॉन एक्टिविटी। हाँ, जिन जिन पर्सन को वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, या फिर फैमिली हिस्ट्री में किसी का किसी की डायबिटीज़ है, ये है आपका डायबिटीज़ का कॉज। अब आता है टाइप ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज 3 टाइप्स के होता है। क्या क्या वो टाइप्स है? टाइप 1, ड्यू टू डिफिशियंस ऑफ इंसुलिन। टाइप 2, व्हेन द बॉडी बिकम रेसिडेंट्स ऑफ इंसुलिन। 3rd, जेस्टेशनल डायबिटीज, राइज इन द ब्लड शुगर इन द प्रेगनेंसी। जिन जिन पर्सन का प्रेगनेंसी गर्भावस्था कालीन डायबिटीज आ जाते हैं वो 3rd टाइप डायबिटीज कहलाते हैं। डायबिटीज होने के क्या क्या बीमारी आ सकते हैं? सच में डायबिटीज ब्लड का प्रॉब्लम है, ब्लड ही तो मेन है, तो इसीलिए डायबिटीज इतना खतरनाक है। ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, इतना खतरनाक बीमारी है सच में। बॉडी पार्ट का जो जो चीज़ें, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, सभी अटैक हो सकता है। डायबिटीज इतना खतरनाक बीमारी है, तो इसको कंट्रोल करना ही चाहिए। पहले से कंट्रोल कीजिए जो आपका डायबिटीज लेवल ठीक ठाक रहे, और जिन जिन पर्सन का डायबिटीज़ है उसको थोड़ा मेंटेन तो करना ही पड़ता है, नहीं तो शरीर में किसी भी चीज़ को, आपका आँख बोलिए, आपका यार नो, सभी 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 चीज़ का चीज़ जो है वो डायबिटीज़ की वजह से ख़राब हो सकती है। अब ये क्वेश्चन सभी के मन में है ना, हाउ कैन आई लोअर माई ब्लड शुगर क्विकली? तो मेरा आंसर होगा यस, लेकिन कैसे वो जानिए। देखिए, पहले ब्लड शुगर क्या है? हम लोगों के शरीर में जो पैनक्रियास होता है, जो पैनक्रियास जब इंसुलिन बनाता है जो, वो कम होता है। अगर कम हो जाए तो ब्लड में शुगर का जो माने परिमाण है वो ज़्यादा हो जाता है लेवल, तो तब जाके आपका शुगर आ जाते हैं। देखिए, हाँ, ये शुगर तो केरेवल है मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन इसका इस बीमारी होने के इतना घबराने के बात भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा कोई भी फूड हम इंटेक करें, थोड़ा कोई फूड लाइफ से बाहर निकल दे, लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज कर देते हैं। वो क्या क्या है, मेरा 2nd पार्ट जो वीडियो आने वाला है शुगर के लिए, मैं आज तो बोल रही हूँ आपके आप लोग के सामने, लेकिन 2nd पार्ट में मैं शुगर इसका प्रतिकार लेके डिस्कस करने वाली हूँ। तो मेरा वीडियो देखिए और 2nd पार्ट भी पूरा देखिए। जिन जिन पर्सन का डायबिटीज़ है वो क्या करेंगे, लाइफस्टाइल कैसे होगा, क्या करने से शुगर मेंटेन कर पाएंगे, और क्या क्या चीज़ इंक्लूडिंग करना है, क्या क्या चीज़ लाइफ से थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है पड़ेगा, कैसे हम शुगर लेवल को आपका थोड़ा थोड़ा करके कम कर सकते हैं, मेरा 2nd पार्ट जो वीडियो है वो आपके लिए। आज के लिए इतना सही, थैंक यू सो मच।